सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बबली दास ब्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मा के हार्ट पे जो लगी थी तो डॉक्टर ने बोला था कि 3 डेज बाद वापस आना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। 1 वीक बाद। हाँ, 1 वीक बाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो होप आप लोगों की नवरात्र अच्छी जा रही है और सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो आज है सैटरडे, तो मुझे जाना था डॉक्टर के पास फिर से चेकअप के लिए, रीचेकअप के लिए, क्योंकि अभी तक पेन है। तो और वैसे भी स्केड्यूल था आज के लिए जाने के लिए। तो हम सुबह उठ गए थे, उठ के हमने सारा काम निपटा लिया, फटाफट पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया है, और अब हम निकले हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। तो हम पहुँच जाएंगे 5 to 7 minutes में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ मैं करवाऊँगी अपना चेकअप, क्योंकि मुझे अभी भी काफ़ पेन है, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि पेन क्यों नहीं जा रहा है। तो इसलिए वापस शायद एक एक्सरे एक्सरे हो, कुछ हो, तो जो भी होगा। तो चलो पहुंचते हैं हॉस्पिटल, करवाते हैं अपना चेकअप और फिर देखते हैं आगे क्या प्लान होता है आज। अभी तक तो कुछ प्लान है नहीं आज के लिए, बट हाँ थोड़ा सा मुझे शॉपिंग मतलब मार्केट जाना है, क्योंकि वेनेसडे को मैंने कीर्तन रखा है घर पे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम वाम है, सामान लेने हैं थोड़े बहुत, तो शायद आज मार्केट भी जाना होगा मुझे। तो पहले चले जाते हैं हॉस्पिटल, वो वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले निपटाते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, अब हम पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और फिर जाते हैं ओपीडी। तो यहाँ पार्किंग के लिए रश लगा हुआ है थोड़ा सा, चलो लगाते हैं गाड़ी और फिर जाते हैं डॉक्टर विजिट के लिए। तो आइस पापा भी यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, मैं है ना आप डॉक्टर के पास से आ चुकी हूँ, और मैं आके डॉक्टर के पास से आके बहुत टेंस हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मतलब 2 महीने तक नो ड्राइविंग वाला इंस्ट्रक्शन दिया है, और मुझे 3 हफ्ते में वापस चेकअप के लिए जाना है। तो 3 हफ्ते तक बिल्कुल मुझे ये बेल्ट नहीं उतारनी है, जबकि मुझे इमरजेंसी में उन्होंने 1 हफ्ता बोला था, एंड देन दे सेड कि 2 हफ्ते तक ड्राइविंग नहीं कर सकते हो आप। और अब मुझे डॉक्टर से पता चला कि मुझे कम से कम 1.5 से 2 महीने नो ड्राइविंग, मतलब बिग नो टू ड्राइविंग है, और मुझे ये बेल्ट भी 3 हफ्ते बांध के रखना होगा, और उसके बाद आफ्टर 3 वीक्स मुझे वापस से विजिट के लिए जाना है। फिर वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे और उसके बाद जाके वो नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करेंगे मुझे, क्योंकि अगर अभी इस बार मैंने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है मुझे वापस से ये बहुत जल्दी फिर से कुछ माइनर इश्यूज़ की वजह से, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे हो जाए 3 से 6 महीने में वापस एक बार हो जाए, और उस टाइम मुझे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दिस इज़ समथिंग रियली क्रिटिकल, तो मुझे ध्यान तो रखना ही होगा। बट देन फिर मैं बहुत टेंस हो गई हूँ कि मैं ऑफिस कैसे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ऑफिस का शटल लेना इट्स नॉट दैट ईजी। यहाँ से है ना एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कैब, या तो सोसाइटी में किसी के साथ मैं शेयरिंग करूं, पर मेरे ऑफिस मतलब जितने लोगों का ऑफिस है मेरे ऑफिस के आसपास मेरे सोसाइटी से, तो उनका टाइमिंग मेरे से मैच नहीं करेगा, तो बहुत चैलेंजिंग हो गया। एंड कैब विल बी टू एक्सपेंसिव मेरे लिए, मतलब 2 महीने कैब से कैब, मतलब एक साइड का ही 400-500 रुपया है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा मेरे लिए। तो मैं बहुत टेंस टू, पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा मैं ये हफ्ता जाती हूँ ऑफिस, और साथ ही साथ मैं देखती रहूँगी कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए, देखती रहूँगी। तो अब द गुड पार्ट इज दैट कि अब मौसम है ना बहुत बढ़िया हो गया है, बारिश आ गई है, और हम मैं और अथर्व आ गए हैं बाहर, मैंने अपने लिए चाय ले लिया है, और हम बाहर बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जाना है ऊपर आंटी के घर जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, तो मैं फटाफट चाय पीऊँगी फिर आंटी के पास जाऊँगी कीर्तन के लिए। तो चलो फटाफट चाय पीते हैं, मौसम का मजा लेते हैं, और फिर जाते हैं कीर्तन के लिए। तो ये देखो भाई, वेदर कितना अच्छा हो गया है, मतलब बहुत ही मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये है मेरी चाय, ये है अथर्व का, क्या है ये, नमकीन है, व्रत वाले नमकीन अथर्व खा रहा है, और ये देखो हमारे रोनाल्डो है, ये हमारे व्रत रखा है,
खाता हूँ। वही पीछे से धराम धुरुम कर रहे हो सारे चीजें। और ये देखो भाई मस्त वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो पीते हैं चाय, एंजॉय करते हैं। पापा को बुलाओ, पापा को बोलो यहाँ बाहर आएंगे, गेम खेल रहे मेरे साथ, बाहर आएंगे। आएंगे पापा, बोले पापा बाहर बहुत मस्त हवा चल रही है, आ जाओ। तो ये ठंड तूफान आ गया है बहुत जोरों का, तो हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं, चाय गंदी हो जाएगी। और देखो मतलब, तो अंदर चलते हैं भाई फटाफट से। चलो चलो पापा का हेल्प कर दो। ये देखो भाई, पापा को हमने वैसे बुलाया था, पापा आए नहीं, और अब देखो अकेले अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो देखो अब मैं अंदर चली गई, तो ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं। और अब तूफान रुक गया है, अब बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज मस्त मौसम हो जाएगा, अब ठंड ठंड सी हो जाएगी एक दो दिन, मज़ा आएगा। तो चलो भाई मैं जा रही हूँ ऊपर आंटी के पास, ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ हो रहा है अथर, मैं जा रही हूँ ऊपर आंटी के पास कीर्तन के लिए, ठीक है, फोन मत करते रहना मुझे। हमारे घर एक और चीज हो गया, आज अथर को लग गई है चोट। अथर को है ना पार्क में बहुत तेज तेज साइकिल चलाता है, जिसके वजह से आज somehow किसी एक और फ्रेंड के साथ टक्कर लग के अथर गिर गया। अथर को लग गई है चोट, अब चोट लग गई है तो भाई घायल तो होना ही है। तो अथर हो गया है थोड़ा सा चोट, वो हो गया है इंजर्ड हो गया, मतलब उसको ना स्टमक में काफी जोरों का चोट लगा है, तो जिसके वजह से काफी अच्छा खासा जगह वो हो गया है, स्किन निकल गया है, तो ब्लड भी निकल रहा था। तो अब लविश है ना उसको लेके डॉक्टर के पास गया है, ताकि एक टेटनस लगा ले हम लोग, टू बी ऑन द सेफर साइड। और अब लविश गया है और दोनों गए हुए हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनके आते आते मैंने है ना, मैंने सोचा लविश का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, तो ऑलमोस्ट काफी लेट हो चुका है, मैं जोत में जला के आते आते काफी लेट हो चुका है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से है ना खाना तैयार कर दूं, ताकि एटलीस्ट लविश आए तो उसको खाना रेडी मिले। तो अब मुझे है कि मुझे सब कुछ लेफ्ट हैंड से ही करना पड़ रहा है, तो आज मैं खाने में बना रही हूँ डोसा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई व्रत में डोसा कैसे खा रहे हैं, तो यस डोसा बना रही हूँ मैं, समक के चावल का डोसा। तो हम उसके है ना इडली भी बनाते हैं, उसका डोसा भी बनाते हैं, तो उसका अच्छा खासा बैटर बन जाता है, और उससे आप लोग इडली और डोसा ट्राई करना, मस्त बनता है, तो बहुत अच्छा बनता है, तो कोशिश करना घर पे बनाने का, ये एक न्यू डिश है। मतलब जनरली ऑब्वियसली काफी लोगों को पता होगा, शायद मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा, तो यू शुड ट्राई, बहुत अच्छा डिश ही है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट लविश के आते आते ये तैयार कर दूं, ताकि वो आए और उसको रेडी मिले, और फिर गर्मा गर्म डोसा बनाएंगे और खा लेंगे। तो चलो मेरा बैटर हो गया है रेडी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये चावल मैंने पीस के रखा था, और अब मैंने बना लिया है इसका बैटर, मैंने पीस लिया है, बैटर रेडी हो गया है। और ये आलू मैंने बॉईल कर दिया है करके, अब मैं आलू भी रेडी करके रख ली हूँ, ताकि आएगा लविश और मैं फटाफट बनाऊंगी, बना के उसको खिला दूंगी। तो चलो फटाफट बनाते हैं डोसा, और तब तक लविश और अथर भी आ जाएंगे, होपफुली अथर रोए ना इंजेक्शन लगाते हुए, और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों के।
तो ये देखो गाइस, अथर्व आ गया है वापस। अब उसको क्योंकि टमी में चोट लगी है इसलिए बेचारा टी शर्ट उतार के बैठा हुआ है, उसको चोट लगी है। अच्छा, 100 रुपीज दो वीडियो में आने के लिए। तो गाइस अथर्व को लगी है चोट टमी में, तो वो टी शर्ट पहन रहा है तो वो टी शर्ट चिपक रहा है इसलिए बेचारा अथर्व अब टी शर्ट उतार के बैठा हुआ है। सो गाइस अथर्व खा रहा है अब फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज खा के अथर्व करेगा होमवर्क। तो अथर्व छुपा हुआ है, अब निकलेगा बाहर और मम्मा देगी अथर्व को 100 रुपीज वीडियो में आने के लिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बाय बाय गाइस, थैंक यू।